हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल गलराइटी ब्लॉग में। और आज है दिवाली का दिन, मैंने दिवाली पूजन कर ली है और मैं आपसे अभी मिल रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह से जरा भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने अब दिवाली पूजन की कुछ टिप्स आपको डालनी है, तो आपको अगर पसंद आए तो आप देखना। तो दोस्तों, मैं अब छत पर आ गई हूँ और ये देखिए छत पर मैं आपको अपने घर से नज़ारा दिखा रही हूँ कि बाहर का नज़ारा दिवाली पर कैसा दिखता है हमारे घर से। तो मतलब थोड़ी दूर है तो इतना साफ तो नहीं दिखा, पर मैंने फिर भी कोशिश की है आपको दिखाने की। तो ये देखिए, जब दिवाली आती है तो हमारा घर बिल्कुल मेन रोड के सामने है और घर खुले खुले हैं, तो सब जगह ऐसा वो दिखता है जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो देखिए आप भी, इतना साफ तो नहीं दिख रही कि सब जगह लड़ियाँ ही लड़ियाँ चमक रही हैं सबके घरों में, पर फिर भी अभी ये इतना पास से नहीं दिख रहा, थोड़ा दूर है ना तो लड़ियाँ ज़्यादा देर नहीं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और आपको नीचे से दिखाती हूँ हमारे घर की लड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ तो यहाँ मेरे हस्बैंड
पटाखे जला रहे हैं। ये देखिए और बच्चे देख रहे हैं, मेरे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं कि वो खुद से पटाखे चला, तो मेरे हस्बैंड पटाखे चला रहे हैं और मेरे बच्चे देख रहे हैं। तो आप भी देखिए और इंजॉय कीजिए हमने दिवाली कैसे मनाई। ज़्यादा कुछ तो नहीं लाए, बस सिर्फ अनार चक्री और रोशनी, जैसे रोशनी निकलती है ना लंबी लंबी वो होती है वो, और बस थोड़े दो चार आवाज़ करने वाले पटाखे, तो बस इतने से ही इंजॉय किया है। अगर आप तो आप भी बताइए आपने अपनी दिवाली कैसे इंजॉय करी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। देखो कहाँ है ये। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मुझे लगा आप अंदर हो, तो ये क्लिप मैं बाद में डाल रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं रही। पूजा हमने पहले की है, फटाके बाद में जलाए हैं, तो बस मुझे याद आया तो फिर मैंने लास्ट में ये क्लिप डाल दी कि हम कैसे पूजा करते हैं। तो आप भी देखिए और हमारे इंजॉय कीजिए, आपके यहाँ कैसे पूजा होती है आप भी बताइए। हमारे यहाँ तो जितनी हो सके उतने दीपक रखते हैं, सारी भगवान जी की मूर्ति रख के लक्ष्मी जी की गरबा की एक साथ करके पूजा करते हैं। और अभी आपको यहाँ मिठाई या बाकी कुछ सामान नहीं दिखेगा पूजा का, क्योंकि फिर मुझे बाद में याद आया तो फिर मैंने बाद में वीडियो शूट किया, तो वो सामान हट चुका था जो आपको दिख रहा है वो है।
मतलब वो सब हटाने की बात क्या है, पर जो था वो पूजा जो ऐसी करी थी वो तो सब वैसा ही रखा था। तो चलिए आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आए तो इसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मुझे और भी नए नए ब्लॉग बनाने की प्रेरणा मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ खुश रहें, स्वस्थ रहें। Thank you.